गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कशीट 4 पेज 75 वर्कशीट 4। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट 16 एक्सपोनेंट 15 divided by 16 exponent 19 is equal to 1 by 16 exponent how much? एक खाली स्थान यहाँ भरना है। 1 by 16 exponent कितना होगा, कैसे भरें? इसको सॉल्व करके, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, सॉल्व करके भरेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं। 16 एक्सपोनेंट 15 डिवाइडेड बाय 16 एक्सपोनेंट 19, दोनों तरफ दोनों में बेस एक समान है 16। तो जब बेस एक समान हो तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किसमें? तो डिविडेंट के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन बेस वही रहेगा। तो बेस 16, डिविडेंट का एक्सपोनेंट 15 माइनस डिवाइजर का एक्सपोनेंट 19, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करना है एक्सपोनेंट को। तो 16 एक्सपोनेंट 15 माइनस 19 तो माइनस 4। अब यहाँ माइनस 4 है, इसको प्लस बनाने के लिए, एक्सपोनेंट का साइन बदलने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, 16 का रेसिप्रोकल तो 1 बाय 16। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल लिए तो एक्सपोनेंट का साइन बदल गया, माइनस 4 है तो प्लस 4 हो गया। 1 एक्सपोनेंट 4 तो 1, 1 का एक्सपोनेंट कुछ भी तो 1 बाय 16 एक्सपोनेंट 4, 16 एक्सपोनेंट 4, 1 बाय 16 एक्सपोनेंट 4, 1 बाय 16 एक्सपोनेंट हाउ मच, दैट इज आंसर, आंसर इज 4। 16 एक्सपोनेंट कितना होगा, तो 4, आंसर इज 4। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाद में 2 सॉल्व करेंगे। सेकेंड 11 बाय 12 एक्सपोनेंट हाउ मच डिवाइडेड बाय 11 बाय 12 एक्सपोनेंट 22 इज इक्वल टू 1 बाय 11 बाय 12 एक्सपोनेंट 2। यानी यहाँ क्या होगा एक्सपोनेंट, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ x होगा, लेट यहाँ x 11 बाय 12 एक्सपोनेंट x डिवाइडेड बाय 11 बाय 12 एक्सपोनेंट 22 इज इक्वल टू दिस 11 बाय 12 एक्सपोनेंट x, यहाँ x मान लिए हैं x, डिवाइडेड बाय 11 बाय 12 एक्सपोनेंट 22 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए सबको एक फॉर्म में लाने के लिए। जैसे ही इसको ऊपर ले गए तो एक्सपोनेंट का साइन बदल जाए। 11 बाय 12 एक्सपोनेंट ये प्लस 2 था तो माइनस 2 ऊपर ले गए। इस सब पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 1 बाय इतना था, इसको ऊपर ले गए तो साइन बदल दिए, माइनस 2 हो गया। अब यहाँ देखिए 11 बाय 12 एक्सपोनेंट एक्स डिवाइडेड बाय 11 बाय 12 एक्सपोनेंट 22। इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रहेगा 11 बाय 12। एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू 11 बाय 12 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब यहाँ देखिए ये इज इक्वल टू है, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में हम बताएंगे इट इज नॉन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का लॉ क्या कहता है, इफ बेस इज आइडेंटिकल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। यदि यह दोनों इक्वल है और दोनों का बेस समान है तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे। दोनों का बेस 11 बाय 12 तो एक्सपोनेंट इक्वल होगा, एक्सपोनेंट एक्स माइनस 22 यह इक्वल होगा किसका, माइनस 2, एक्स माइनस 22 इक्वल टू माइनस 2। ये इसको इधर ले आए, ये माइनस है, इधर आया तो प्लस 22, एक्स इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 22,
x इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 22 तो 20, x इज इक्वल टू 20 तो यहाँ क्या होगा, दैट इज द 20, यहाँ क्या होगा तो 20, खाली स्थान पर, खाली स्थान पर यहाँ क्या होगा तो 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जैसे 9/2 फर्स्ट, 2 का फर्स्ट, 9/2 एक्सपोनेंट 0 होल एक्सपोनेंट 5, यहाँ रूल लगाएंगे, रूल फिफ्थ रूल, इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बेस वही रहेगा, बेस 9/2 तो बेस 9/2 वही रहा, केवल इसको मल्टीप्लाई किए, 0 × 5 तो 0, 9/2 एक्सपोनेंट 0, और कोई भी नंबर उसका एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 1 को हम 1 × 1 या 1 × 0 कुछ दोनों लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 × 1 और 1 × 0 दोनों, बोथ दोनों होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, −5/17 एक्सपोनेंट 6 होल एक्सपोनेंट 3, इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बेस वही रहेगा, बेस −5/17 तो −5/17, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3 = 18, बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 3 = 18, आंसर −5/17 एक्सपोनेंट 18, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, 12/5 एक्सपोनेंट 0 * 12/5 होल एक्सपोनेंट 5, 12/5 एक्सपोनेंट 0, एनी नंबर एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1 * 12/5 होल एक्सपोनेंट 5, होल एक्सपोनेंट 5, 12/5 एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1 * 12/5 होल एक्सपोनेंट 5, होल एक्सपोनेंट 5, 1 * 12/5 तो 12/5 एक्सपोनेंट 5, दैट इज आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का था इवैल्यूएट, वैल्यू ज्ञात करो, इवैल्यूएट यानी उसका वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फर्स्ट, −3/4 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय −3/4 एक्सपोनेंट 5, इसका वैल्यू क्या होगा, इफ बेस इज आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, यदि बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, बेस वही रहेगा। देखिए एक वर्कशीट में एक रूल को हम कम से कम 5 बार 7 बार 8 बार बोल रहे हैं, आपको याद रखना है इसको, बेस यही रहेगा, बेस −3/4 जो बेस है वही बेस रहती है, एक्सपोनेंट को केवल सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसमें किसको यह भी ध्यान रखना होगा, तो डिविडेंड के एक्सपोनेंट में डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 − 5, −3/4 एक्सपोनेंट 3 − 5 तो −2, −3/4 एक्सपोनेंट −2। अब यहां पर एक्सपोनेंट का साइन निगेटिव है, हमको इवैल्यूएट वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम है एक्सपोनेंट के साइन को पॉजिटिव बनाना है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब बेस का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो 3/4 −3/4 इसका रेसिप्रोकल तो −4/3, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, −3/4 का रेसिप्रोकल तो −4/3, जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल लिए तो साइन बदल गया, −2 था तो +2 हो गया। अब −4/3 एक्सपोनेंट 2 इसका मतलब −4/3 * −4/3
एक्सपोनेंट टू का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई, माइनस फोर बाई थ्री इंटू माइनस फोर बाई थ्री, दो बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, बाय थ्री इंटू थ्री नाइन, दैट इज सिक्सटीन बाय नाइन, दैट इज योर आंसर। इवैल्यूएट वैल्यू क्या करें, सिक्सटीन बाय नाइन। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू होल एक्सपोनेंट टू डिवाइडेड बाय माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू। सबसे पहले आइए यहां, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकाले थे? इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंट, पहला काम यही, जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बेस वही रहेगा, बेस माइनस फाइव बाय सिक्स, बेस जो है वो लिखिए माइनस फाइव बाय सिक्स, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किए, टू इंटू टू फोर डिवाइडेड बाय माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू, माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू। अब देखिए दोनों में बेस एक समान है, माइनस फाइव बाय सिक्स माइनस फाइव बाय सिक्स, बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बेस वही रखेंगे, बेस माइनस फाइव बाय सिक्स ही रखें, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए डिविडेंट के एक्सपोनेंट में, डिवाइजर के एक्सपोनेंट को, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू डिविडेंट के एक्सपोनेंट में, डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए, माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट फोर माइनस टू तो टू, माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू, इसका मतलब माइनस फाइव बाय सिक्स को माइनस फाइव बाय सिक्स से ही मल्टीप्लाई कीजिए दो बार, माइनस फाइव बाय सिक्स एक्सपोनेंट टू मीन्स माइनस फाइव बाय सिक्स इंटू माइनस फाइव बाय सिक्स, एक्सपोनेंट टू का मतलब दो बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, बाय सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स, तो आंसर इज 25 बाय 36, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 3 माइनस 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 5। अब आइए, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 3, डिवीजन में सबसे पहले हम बेस चेक करेंगे, 1 बाय 2 यहाँ भी 1 बाय 2, बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बेस वही रखना है, बेस 1 बाय 2 रखे, जो बेस है वही रखे, बेस 1 बाय 2, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए तो डिविडेंट के एक्सपोनेंट में, डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए, 5 माइनस 3 माइनस, फिर यहाँ वही चीज, डिवीजन में हम पहले बेस देखते हैं, यहाँ बेस 1 बाय 2, यहाँ बेस 1 बाय 2, बेस एक समान है तो डिवीजन में एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन बेस वही रहेगा, 1 बाय 2 बेस है तो 1 बाय 2 रखे बेस, एक्सपोनेंट डिविडेंट के एक्सपोनेंट में, डिवाइजर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 माइनस 5, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 5 माइनस 3 तो 2 माइनस, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 6 माइनस 5 तो 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक 1 हो जाता है, नहीं लिखे इसका मतलब 1, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 2 का मतलब हुआ 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 2 को 1 बाय 2 से दो बार मल्टीप्लाई, 1 बाय 2 एक्सपोनेंट 2 इट मीन्स 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, 1 इंटू 1 1, बाय 2 इंटू 2 4 माइनस 1 बाय 2, 4 और 2 एलसीएम 4, 4 1 जा 4 1 इंटू 1 तो 1 माइनस, 2 2 जा 4 2 इंटू 1 तो 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय 4 बाय 4, दैट इज योर आंसर। इसका वैल्यू माइनस 1 बाय 4, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, 3 का 5। अब आइए 3 का 6, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए तब और क्लियर हो जाएगा, 4 बाय 9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 16 बाय 81 एक्सपोनेंट 2, यहाँ देखिए बेस 4 बाय 9, यहाँ बेस 16 बाय 81, बेस एक समान नहीं है, एक्सपोनेंट को देखते हैं,
एक्सपोनेंट फोर, यहाँ एक्सपोनेंट टू, एक्सपोनेंट भी समान नहीं है, ना बेस एक समान है ना एक्सपोनेंट एक समान है, तो कोई रूल नहीं लगेगा। रूल लगाने के लिए, एक्सपोनेंट्स के रूल को फॉलो करने के लिए, चाहे तो बेस को एक समान करना होगा या नहीं तो एक्सपोनेंट को एक समान करना होगा। तो हम बेस को एक समान कर रहे हैं, यहाँ बेस 4/9, एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड 16/T1, 16/T1 को लिखते हैं 4/9 इंटू 4/9, इस रूप में लाना है, इसलिए ऐसा लिखे हैं 4 × 4 16/9 × 9 81, एक्सपोनेंट 2, 4/9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 4/9 × 4/9 तो 4/9 एक्सपोनेंट 2, 4/9 को 4/9 से मल्टीप्लाई किए 2 बार एक्सपोनेंट 2, 4/9 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 2, 4/9 × 4/9 तो 4/9 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 2, 4/9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 4/9 एक्सपोनेंट 2 होल एक्सपोनेंट 2, तो इन एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, बेस वही रखते हैं 4/9, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 2 × 2 = 4। अब आइए 4/9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 4/9 एक्सपोनेंट 4, बेस आइडेंटिकल इन डिवीजन सब्ट्रैक्ट एक्सपोनेंट विदाउट चेंजिंग बेस, 4/9 बेस वही रखेंगे 4/9, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किए 4 − 4 0, 4/9 एक्सपोनेंट 0, किसी भी नंबर पर एक्सपोनेंट जब 0 होगा उसका वैल्यू 1, दैट इज योर आंसर, 1 दैट इज योर आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां भी वैल्यू निकालना है, 5/7 एक्सपोनेंट 3 × 2 − 6, यहां बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन देन सब्ट्रैक्शन, 5/7 एक्सपोनेंट 3 × 2 = 6 − 6, 5/7 एक्सपोनेंट 6 − 6 = 0, एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इज 1, आंसर इज 1, इवैल्यूएट वैल्यू ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू, इट्स वैल्यू इज, इट्स वैल्यू इज 1। 4 का सेकंड देखिए, इस टाइप का और क्वेश्चन है, 3 × 0 + 4 × 0 इन ब्रैकेट × 5 × 0, हम जानते हैं एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इट्स वैल्यू इज 1, 3 × 0 इट्स वैल्यू इज 1 प्लस 4 × 0 इट्स वैल्यू इज 1 ब्रैकेट × 5 × 0 इट्स वैल्यू इज 1, यहाँ बदमाश रूल, पहले ब्रैकेट का काम, 1 + 1 = 2 × 1 दैट इज 2, आंसर इज 2, फाइंड द वैल्यू, इट्स वैल्यू इज 2। इसी तरह से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में कल के क्लास में बताएंगे। आज का HW डू वर्कशीट 4 अप टू क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अप टू क्वेश्चन नंबर 4 बनाने में, तो कल आप पूछेंगे जो सर हमको यहाँ ये दिक्कत हो गई है, पहले हम उसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।